योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूँ एक औषधीय जानकारी के साथ। तो आज हम बात करेंगे कि शीशम किस प्रकार दिखता है और इसके कौन कौन से औषधीय फायदे हैं और इसका हम प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं कौन सी बीमारी में। तो जानते हैं शीशम क्या होता है। तो शीशम की लकड़ी को हम भवनों या फर्नीचर के निर्माण में प्रयोग किया करते हैं। इसका वृक्ष की लकड़ी और बीजों का तेल बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं। पौराणिक ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है कि शीशम की दो प्रजातियां होती हैं। एक शीशम जो 30 मीटर तक ऊंचा और मध्य आकार, इसकी छाल मोटी और भूरे रंग की या दरारयुक्त होती है। इसके फूल पीले रंग के तथा छोटे आते हैं। और दूसरा जिसको हम देसी शीशम कहते हैं, इसको हम कृष्णा शीशम के नाम से जानते हैं। ये 15 से 20 मीटर ऊंचा और पर्णपत्ती वृक्ष होता है। इसकी शाखाएं चिकनी और फूल 5 से 10 लंबे गुच्छे में और मटमैले सफ़ेद रंग के होते हैं। इसकी छाल व पत्तियों का प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। इस शीशम का प्रयोग वीर्य विकार, कुष्ठ, घाव को ठीक करने, जलन, सूजन, उल्टी, खून संबंधी विकार, हिचकी आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। इस शीशम को भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग नामों से जानते हैं। इसको हिंदी में शीशम, शीशम, शीशो, शीशा, इंग्लिश में साउथ इंडियन रोजवुड या ब्लैक वुड रोजवुड शीशम, संस्कृत में युगपित्तिका, श्याम कृष्णशारा, उर्दू में शीशम, उड़िया में शीशु, गुजराती में शीशोम, पंजाबी में नेलकर, अरबी में शासम आदि नामों से जाना जाता है। आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। आप ऐसे ही दुनिया भर की जड़ी बूटियों की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। शरीर में जलन या दाह होने पर आप इस शीशम का तेल शरीर पर लगाते हैं तो जलन ठीक हो जाती है। पेट में जलन या दाह होने पर आप 10 से 15 मिलीलीटर इन पत्तों का रस सुबह खाली पेट मिश्री के साथ पी लेते हैं तो आपके पेट की जलन भी शांत हो जाती है। आँखों में जलन होने पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पत्तों का रस शहद में मिलाकर 1 से 2 बूंद आँखों में डालने से आँखों के रोगों में आराम होता है। जलन और दाह भी कम होती है और आँखों का लालपन भी कम हो जाता है। ये बुखार को भी ठीक करता है। आप शीशम का क्षार 20 ग्राम पानी, 320 मिलीलीटर दूध, 160 मिलीलीटर ले लें। इनको मिलाकर आप पकाएं। जब दूध थोड़ा सा रह जाए तो दिन में 3 बार आप पी लें। इससे बुखार ठीक हो जाता है। एनीमिया या खून की कमी होने पर आप शीशम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके 10 से 15 मिलीलीटर शीशम के पत्तों का रस सुबह खाली पेट पीते हैं, इससे एनीमिया दूर होती है। पेशाब का रुक रुक के आना, जलन के साथ आना, पेशाब में दर्द होना, ऐसी सारी समस्याओं में आप इसके 20 से 40 मिलीलीटर शीशम के पत्तों का काढ़ा बनाएं और दिन में 3 बार पिलाएं। इससे पेशाब का रुक रुक के आना, पेशाब के जलन, पेशाब का दर्द आदि समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। ये दस्तों को भी रोकता है। आप इसके 10 से 20 मिलीलीटर काढ़े में घी या दूध मिला लें और इसको मंथन करके पिच्छू वस्ती देने से दस्त रुक जाते हैं। गुदा भ्रंश, गुदा से कांच निकल आती है जिसको हम गुदा भ्रंश कहते हैं। तो ऐसे में आप इस शीशम के पत्ते, काचनार के पत्ते और जौ ले लें और तीनों को मिलाकर काढ़ा बनाएं। इसका काढ़ा 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में आप दूध या घी मिलाकर इसको मंथन कर लें और इसकी पुच्छ वस्ती देने से गुदा भ्रंश ठीक होता है। स्त्रियों के स्तनों में सूजन होने पर आप इस शीशम के पत्तों को गर्म करके स्तनों पर बांधें और इसके काढ़े से स्तनों को धो लें तो इससे स्तनों की सूजन मिट जाती है। घाव जख्म होने पर आप शीशम के तेल
को लगाएं, इससे घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं। मासिक धर्म रुक रुक के आना या ठीक से ना आना, ऐसी समस्याओं में आप इस शीशम का क्षार 3 से 6 ग्राम का चूर्ण आप दिन में 2 बार सेवन करते हैं। इससे आपका मासिक धर्म ठीक समय से आता है और दर्द भी नहीं होता है। लिकोरिया या श्वेत पदर होने पर आप इसके 8 से 10 पत्ते और 25 ग्राम मिश्री का सेवन मिलाकर आप घोट पीसकर सुबह प्रातःकाल खाली पेट सेवन करते हैं। इससे लिकोरिया और श्वेत पदर ठीक हो जाती है। सुजाक एक गुप्त बीमारी है, तो इस बीमारी में आप इसके 10 से 15 मिलीलीटर पत्तों का रस दिन में 3 बार पिलाएं, इससे सुजाक बीमारी में लाभ मिलता है। साइटिका या लंगड़ी दर्द होने पर आप शीशम की 10 किलो छाल का मोटा चूरा बनाएं और 25 लीटर जल में उबालें। जब उबलते उबलते 8वां भाग बाकी रह जाए तब इसको ठंडा होने पर कपड़े में छान लें, इसको फिर चूल्हे पर चढ़ा दें और उसको गाढ़ा होने दें। इसके गाढ़े पदार्थ को आप 10 मिलीलीटर की मात्रा में मिलाकर घी या दूध में पकाएं और दिन इसे 21 दिन तक दिन में 3 बार सेवन करने से साइटिका रोग में विशेष लाभ होता है। स्किन प्रॉब्लम या खाज खुजली चर्म रोग होने पर आप इसके शीशम के पत्तों को लूदी बना लें और तिल के तेल में मिला लें और इसको स्किन पर लगाते हैं, उससे त्वचागत विकार दूर हो जाते हैं। ये रक्त संचार को भी ठीक करने में मदद करता है। आप 5 मिलीलीटर शीशम के पत्तों का रस, 10 ग्राम चीनी, 100 ग्राम दही मिलाकर आप सेवन करते हैं तो आपका रक्त संचार या ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। तो आज के शीशम की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको इस शीशम की जानकारी पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने यार दोस्तों में इसको या अपने पड़ोसियों में इस शीशम की औषधीय जानकारी ज़रूर शेयर करें ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें और इन सारी बीमारियों से छुटकारा पा सके। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।